Good morning. Such a sunny day. Let's go somewhere today. एसी सबसे पहले ऑन करना जरूरी होता है बिकॉज़ 38 डिग्रीज एंड वी हैव अ रेंज ऑफ 490 किलोमीटर्स टुडे और पेट्रोल इज फुल. लेट्स सी हम कहाँ जाते हैं. खाली हैं दोनों तरफ रेगिस्तान है. अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो साथ में स्नैक्स ज़रूर रखें क्योंकि रास्ते में कोई दुकान नहीं आती, कुछ भी नहीं आता और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो कभी भी कहीं भी कुछ भी मांग सकते हैं. पूरे रास्ते बहुत ही ज़्यादा माउंटेन्स आते हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा साइड में लोग तस्वीरें भेजते हैं या फिर वीडियो वगैरह देखते हैं. लेकिन आप अगर साइड में रोकें तो आप ये देख लें कि आपको पार्किंग का स्पॉट जो है वो सही मिल जाए और सेफ मिल जाए क्योंकि रोड पे इसके गाड़ी रोकना वो सेफ नहीं होता. लेकिन अगर आप तस्वीरें लेने के पहुँच सकती हैं माउंटेन में और इन सारी नेचुरल जगहों पर तो बहुत ही अच्छी तस्वीरें यहाँ पर आती हैं. Thank you.
ग्राफ्स वगैरह चाहिए हों, ट्रेन चाहिए हों, और कारपेट्स की भी बहुत ही अच्छी दुकान है जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाता है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आपको यहाँ पे प्राइस कम कराना पड़ता है क्योंकि ये फिक्स प्राइस नहीं होता। यहाँ पे एक वाटरफॉल था जो कि शायद बंद हो चुका है, हम यहाँ पे आए थे लेकिन अब हमने अपना प्लान चेंज कर दिया है। हम यहाँ से जा रहे हैं, हम यहाँ से फुजेरा की तरफ जा रहे हैं, तो अभी जो मैप्स है वो दिखा रहा है बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम मैप की तरफ जा रहे हैं। ये दुकानें हैं और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे कारपेट वगैरह की दुकानें होती थी, मैं 5 years back या 4 years back आया था तब होता था यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम यहाँ से हमने प्लान चेंज कर दिया अपना, अब हम जा रहे हैं फुजेरा। ये राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये हैंडपम्प का पंप है। पुराने ज़माने में हैंडपम्प के पंप स्टार होते थे, उसके 2 मीनार खड़े होते थे, और ये अवाफी की फैक्ट्री, और ये लेफ्ट साइड पे आपको मसाफी की फैक्ट्री जहाँ पे मसाफी के टिशू और मसाफी का पानी आता है यहीं पर। इसका मतलब ये है कि पीछे कोई वादी है जहाँ पर इसका पानी कलेक्ट करते हैं ये लोग, तो ये वो जगह है जहाँ से मसाफी का पानी आता है। यहाँ पे मसाफी के ट्रक्स आ रहे हैं रास्ते में, आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत माउंटेन्स और सामने बहुत ही अच्छे व्यूज़ यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कोई झूले बेच रहा है, बहुत ही जल्दी से मैंने आपको दिखा दिया, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जा रहे हैं फुजेरा की तरफ, ये 100 का रोड है ताकि हम स्पीड, अब यहाँ से फुजेरा इज़ अराउंड 29 किलोमीटर्स। छोटे छोटे गांव हैं जो कि बीच बीच में आते हैं, या स्पार्क मार्केट आ रही है, लेफ्ट साइड पे माउंटेन्स हैं, और हम जा रहे हैं यहाँ पे सीधा फुजेरा मसाफी से, और ये है यहाँ के इलाके। और फुजेरा में इंटर, ये लैंडमार्क है, दोनों तरफ एडनोक के पंप जो कि बहुत ही पुराने स्टाइल में बने हुए हैं। कैसे यहाँ से लोग पेट्रोल भराते हैं, यहाँ पर शोरूम वगैरह शुरू हुए हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। हुंडई का शोरूम है यहाँ पे, किया का शोरूम है। तो फुजेरा इज़ लाइक एमिरेट्स जो कि मेन एमिरेट्स है, बाकी सारे जो टाउन्स हैं वो सब टाउन्स होते हैं यहाँ पे, जो कि लोग जो है वो आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। जैसे लोग दुबई शॉपिंग करने आते हैं दूर दूर से, उस तरीके से लोग आते हैं फुजेरा फॉर द पीपल लिविंग इन डिब्बा, मसाफी, बितना, निफ्ता, और दीज प्लेसेस, वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो ये एक तरीके का प्रॉपर शहर है, किसी को गाड़ी लेनी हो, गाड़ी सर्विस करानी हो, किसी को यूनिवर्सिटी जाना हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, यहाँ पे ये सारे ऑफिस हैं। दिस इज़ अ ग्लिम्स ऑफ फुजेरा। अभी हम रास्ते में हैं, खोरफक्कान की तरफ जा रहे हैं, और खोरफक्कान के बहुत ही आउटसाइड की तरफ से हमने लिया है, इसलिए खोरफक्कान सिटी इसमें नहीं आया है वीडियो में। लेकिन खोरफक्कान सिटी में आते ही बहुत सारी चाय की दुकानें और फार्मेसीज और बहुत सारी चीज़ें। तो ये फाइनली आगे है स्नूपी आइलैंड, जो कि एक स्नूपी की तरह का एक स्टोन स्ट्रक्चर है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, इसको अलअक्का बीच भी कहते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे अपना वीकेंड गुजारने के लिए आते हैं। अच्छी जगह है अगर आप आना चाहें, स्पेशली इन द समर्स। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम था एज़ कम्पेयर टू दुबई, विच इज़ अराउंड 10 degrees का डिफरेंस था इन जुलाई व्हेन वी आर कमिंग हेयर। सो सच अ नाइस प्लेस टू कम, एंड इफ़ यू आर कमिंग ऑन पब्लिक हॉलीडे जस्ट मेक श्योर कि आपको ट्रैफिक मिलने वाला है।
But yes, it's a good place to come.